शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस और बसपा के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। विधान परिषद की जो सीटें हैं वो खाली हो रही हैं और माना जा रहा है कि ये सीटें खाली होने के बाद बीजेपी यहाँ पर अपना बड़ा रोल निभा सकती है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब विधान परिषद सीट पर भी है। हालांकि बीजेपी जो है वो चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी कर रही, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भले ही 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी गिर कर संभल रही है और पार्टी में लगातार बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी लगातार बैठक कर रही है। सोनिया गांधी की तरफ से लगातार मीटिंग का दौर जारी है और जिस तरह की मीटिंग हो रही है उससे माना जा रहा है कि जो पार्टी के बागी नेता उनके खिलाफ सख्त एक्शन उठाया जाएगा, तो वहीं साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि पार्टी के उन नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जिन्होंने चुनाव के समय प्रियंका गांधी की मदद की थी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।